एलपी वैकेंसी 2024 में अगर आप आरआरबी सिलीगुड़ी या आरआरबी गुवाहाटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी पोस्टिंग किस जोन के किस डिवीजन में होगी? रेलवे जोन, रेलवे डिवीजन, रेलवे बोर्ड, इनमें अंतर क्या होता है? तो आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पहले बात करेंगे रेलवे जोन के बारे में। हमारा इंडियन रेलवे भारत के कोने कोने तक ऑपरेट करती है, तो इसके बेहतर संचालन के लिए इंडियन रेलवे को कुल 19 जोन में बांट दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा एनआर, एनएफआर, डब्ल्यूआर इत्यादि, ये सब रेलवे जोन हैं। अब बात करते हैं रेलवे डिवीजन की। अगर आप एक रेलवे जोन को भी देखो तो उसकी ऑपरेटिंग एरिया की साइज भी बहुत बड़ी होती है, तो रेलवे जोन को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे डिवीजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनएफआर को लेते हैं तो एनएफआर को कुल 5 डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन है कटिहार डिवीजन, दूसरा अलीपुरद्वार डिवीजन, तीसरा रंगिया डिवीजन, चौथा लामडिंग डिवीजन और पांचवा है तिनसुकिया डिवीजन। अगर आप लोको पायलट हैं तो इनमें भी फर्दर लॉबी में बांट दिया जाता है। जैसे अगर आपको कटिहार डिवीजन मिलता है तो इसकी 3 लॉबी है, कटिहार लॉबी, मालदा लॉबी, एनजेपी लॉबी। अब बात आती है आरआरबी बोर्ड क्या होता है। तो आरआरबी बोर्ड एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसका काम सिर्फ भर्ती करना ही होता है। सभी जोन का अपना अपना आरआरबी बोर्ड होता है, किसी जोन में एक से अधिक भी आरआरबी बोर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए एनएफआर का 2 बोर्ड है, आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी गुवाहाटी। तो अब बात आती है कि अगर हम आरआरबी सिलीगुड़ी या आरआरबी गुवाहाटी के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? यूं तो आरआरबी सिलीगुड़ी और आरआरबी गुवाहाटी एनएफआर का ही पार्ट है और इसका कुल 5 डिवीजन है, तो इन 5 डिवीजन में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। फिर भी अगर आप आरआरबी सिलीगुड़ी के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपको कटिहार डिवीजन या अलीपुरद्वार डिवीजन ही मिलेगा, और अगर आप आरआरबी गुवाहाटी से अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको रंगिया डिवीजन, लामडिंग डिवीजन या तिनसुकिया डिवीजन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की जानकारी बेहतर तरीके से मिल गई होगी। अगर कुछ डाउट आपको रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर दूसरी आरआरबी के बारे में भी आपको डिटेल से जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।